हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 5x + q आर इक्वल, इनके रूट्स क्या है, इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, देन क्यू की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन गिवन है आपके 2, 5/12, 12/25 एंड 25/4। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 3x² - 5x + q = 0। और मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, और इसमें कंडीशन गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा है। तो आप जानते हो अल्फा इज इक्वल टू बीटा मतलब बोथ रूट आर इक्वल। आप क्या करना है, सबसे पहले निकालना है सम ऑफ रूट। जैसा कि मैंने कल बताया था, सम ऑफ रूट क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, आपकी है बी की वैल्यू माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा ये प्लस फाइव हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, थ्री, तो क्या हो जाएगा 5/3। और अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और सी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, क्यू गिवन है, एंड ए की वैल्यू आपको गिवन है थ्री। तो आपको दिख रहा होगा कि अल्फा इज इक्वल टू गिवन है बीटा, तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू बीटा पुट कर दोगे, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा पुट कर दोगे। जैसे आपने पुट किया, मान लीजिए मैंने बीटा इज इक्वल टू पुट कर दिया अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा आपका, 2 अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/3। और इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो क्या जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा q/3। और आपको दिख रहा होगा इससे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/6। और 5/6 आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर 25/36। और यहां पे क्या गिवन आपको, क्यू, और यहां पे गिवन आपको 3, और कैंसिल आउट जैसे आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12 यहां पे आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आपको आ जाएगी 25/12। यह आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो एनडीए में पूछा गया था 2011 में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, द इक्वेशन x² - 4x + 29 = 0 हैज वन रूट 2 + 5i एंड व्हाट इज द अदर रूट ऑफ दिस। तो इसके अदर रूट क्या होंगे, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो आपने सीधा चार फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपने पढ़ा था। और मैंने आपको इसमें ये बताया था कि अगर मान लीजिए रूट क्या आ रहे हैं आपके, इमेजनरी आ रहे हैं, तो रूट को इमेजनरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है आपका, ये होता है, ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और अगर रूट निगेटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, और निगेटिव में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आप जानते हो रूट वाला टर्म पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब कि जो रूट का टर्म होगा वही क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और वही क्या होगा, निगेटिव भी होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस 2 + 5i, इसका मतलब आपको पॉजिटिव वाला रूट दिया हुआ है, तो आप जानते हो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा आपका, आपका निगेटिव वाला हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 - 5i। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2011 में, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। इसमें दिया हुआ इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन है इक्वेशन ए b - c x² + गिवन और बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी, आपको दिख रहा होगा सारे क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में, और इसका एक रूट गिवन है, रूट इज वन, रूट क्या है आप मान लो अल्फा इज इक्वल टू गिवन है 1, देन फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की बात करो तो यहां पे क्या है, ये बी है, तो माइनस बी हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा माइनस बी सी माइनस ए, और ये पूरा क्या आपका ए है, ये हो जाएगा ए बी माइनस सी,
अब क्या करना है, एक रूट क्या गिवन है आपको, एक रूट आपको गिवन है अल्फा, तो यहां पुट कर दो अल्फा इज इक्वल टू क्या गिवन है वन, तो वन प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी सी माइनस ए ब्रैकेट में ए बी माइनस सी। उसके बाद बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर ले जाओ आप, और जैसे आप इसको उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा सी माइनस ए और माइनस वन, यहां पे ए बी माइनस सी। और जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस बी दिया हुआ है तो माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आ जाएगा माइनस बी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी। उसके बाद जब एलसीएम लोगे आप तो नीचे तो आपका ही आएगा ए बी माइनस सी, ये लिख दो इसको ए बी माइनस सी, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेने के साथ यहां पे आ जाएगा आपका ए बी और माइनस ए सी, और साइन जब चेंज करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस ए बी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा ए सी, तो यहां पे आ जाएगा प्लस ए सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको दिख रहा होगा ऊपर में से सी कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सी कॉमन लेने के साथ ए पहले लिख लो आप और बी नेगेटिव में उसको बाद में लिखो ए माइनस बी, और यहां पे आपका आ जाएगा ए बी माइनस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बीटा की वैल्यू, तो अदर रूट क्या होगा आपका ये होगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया, व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस के रूट क्या होंगे, इक्वेशंस आपको गिवन है, इक्वेशंस आपको गिवन है 2 टाइम्स y प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 y प्लस 2 इज इक्वल टू आपको गिवन है 12, और इसके रूट पूछे गए हैं, और इसके जो ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन गिवन है माइनस 7/2, 2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है माइनस 3/2, 4, और थर्ड ऑप्शन गिवन है माइनस 5/3, 3, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है आपके सामने 3/2, 4। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या करें ठीक है ना, इसके रूट निकाल लें, या फिर हम लोग क्या करें ऑप्शन से चेक कर लें कि इसके रूट क्या होंगे। हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन को पुट करेंगे, और पुट करने पे ठीक है ना वैल्यू क्या आएगी, अगर जीरो आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0, उसमें मैंने फैक्टर किए थे, उसके फैक्टर क्या आ रहे थे आपके x = 3 थे और x = 2 थे। हमने क्या किया, अगर मान लो उसको सॉल्व किया तो उसमें फैक्टर क्या आ रहे थे x-3 और x-2, और हमने क्या किया जब उसको 2 पुट किया तो आंसर क्या था आपका 0 आ रहा था। ऐसे ही अगर मान लो आपको रूट चेक करना है तो आप क्या करोगे, जो पॉइंट गिवन है आप क्या करो उसको पुट करके देख लो। जैसे अगर मान लो बात करूं मैं इसको पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 पुट करूं तो आंसर क्या देगा आपका 2, यहां पे क्या जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां जाएगा 5, और 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, और इसको क्या दिया 12, आप इसको ले आओ तो -12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप क्या जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर 16 32 आ जाएगा, और जाएगा 20 और 20 और यह आ जाएगा आपका -12, तो यह आपका आ जाएगा 32 और दूसरा आ जाएगा -32, तो कैंसिल आउट। इसका मतलब ये रूट हो सकता है। अब देखिए किसी और में ऑप्शन दिया क्या, ये किसी और में ऑप्शन 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यही आंसर सही होगा ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, और अल्फा और बीटा है रूट है किसके, इक्वेशन के, इक्वेशन क्या आपकी, इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, इसके जो रूट होते हैं अल्फा और बीटा आपने पढ़ा भी होगा, अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका ओमेगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका होता है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आप जानते होगे अगर मान लो मैं अल्फा इज इक्वल टू पुट कर दूं ओमेगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यह आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, और इसके रूट क्या होते हैं हमेशा इमेजनरी आते हैं, क्या आते हैं इमेजनरी, जैसे मैं आपको निकाल दिखा दे रहा हूं इमेजिनरी कैसे आते हैं, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस बी, माइनस बी कितना है माइनस 1 हो जाएगा यहां पे,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है वन है, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस वन प्लस माइनस, या आपका आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में आ जाएगा माइनस थ्री, और मैंने बताया अंडर रूट में जब माइनस थ्री आएगा तो आप क्या करते हो अंडर रूट माइनस वन को लिखते हो आई, तो आ जाएगा आपका रूट थ्री आई अपॉन टू, और अगर मैं इसके दोनों रूट की बात करूं तो क्या हो जाएगा वन प्लस माइनस, और एक प्लस में आएगा और एक क्या आएगा माइनस में आएगा, अलग लिख देते हैं थ्री अपॉन टू, और यहां आपका आ जाएगा लिख लो एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, तो इसको मैं मान लेता हूं ओमेगा, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब जो होता है ठीक है ना, वो हमेशा वैल्यू क्या होती है वन होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा वन होती है। अब दिया हुआ है ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट हुज रूट्स आर ओमेगा अल्फा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 7, तो देखिए अल्फा की पावर क्या दिया हुआ है 19 और बीटा की पावर दिया हुआ है 7, तो आप क्या करोगे अल्फा की पावर 19 दिया हुआ है, तो अल्फा की पावर 19 मतलब ओमेगा की पावर दिया हुआ है 19, अब देखो ओमेगा क्यूब क्या होता है आपका 1 होता है, आप क्या करोगे इसको डिवाइड करो 3 से, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं बात करूं ठीक है ना ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है आपका 1 होता है, 19 क्या होता है ठीक है ना, अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 1, क्योंकि 3 सिक्सा क्या होता है 18 होता है, और 3 सिक्सा जब 18 करेंगे इसका मतलब क्या है ओमेगा क्यूब को 6 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू क्या जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो और ओमेगा बचेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका रूट, और जो ओमेगा था वही तो रूट था इस इक्वेशन का, और बीटा क्या दिया आपका ये दिया हुआ इसकी पावर 7, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर लिखो 7, 14 हो जाएगा आपका 14, अगर आप 3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो 15 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर जाएगा, इसका मतलब डेफिनेटली जो रूट इस इक्वेशन के हैं वही रूट क्या है इस इक्वेशन के भी हैं, और इसका मतलब डेफिनेटली जो आंसर गिवन है आपका वो आंसर हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि रूट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जो रूट ओमेगा इसका था वही रूट इसका भी आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इसका था वही रूट इसका भी आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू फंक्शन दिए कुछ उसकी वैल्यू पूछ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं फंक्शन गिवन आपको फंक्शन आपको गिवन है, अब मान लेते लेट कर लेते इसको एक्स इक्वल टू दिया आपका 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 8 और ये आपका दिया हुआ है इनफाइनाइट तक, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आप जानते हो अगर मान लीजिए आपके पास कितने टर्म है इनफाइनाइट टर्म है, और इनफाइनाइट टर्म में से अगर हम क्या करें एक टर्म निकाल लें तो बताइए फंक्शन में कोई फर्क पड़े क्या, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है एक रूम है और रूम में क्या है इनफाइनाइट बॉल्स हैं, और इनफाइनाइट बॉल में से अगर मान लो मैंने एक बॉल निकाल ली और मैंने आपसे पूछा कि भैया बताओ बॉल में कमी आई है नहीं आई, तो आप क्या बताओगे कि बॉल में कमी नहीं आई है क्योंकि आप उसको गिन नहीं सकते हो। ऐसे ही इसमें क्या है इनफाइनाइट टर्म है, तो इनफाइनाइट टर्म करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप क्या करो एक टर्म को हटाकर पूरे क्या मान लो आप फिर से एक्स मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे एक टर्म कहां से रिपीट हो रहा है ये हो रहा है उसके बाद ये आ रहा है उसका फिर से वही आ रहा है उसका फिर यहां पे आएगा टू रूट एट ऐसे बढ़ता रहेगा इनफाइनाइट तक, तो हम लोग क्या करेंगे एक टर्म को मैंने हटा दिया यहां से यहां तक उसके बाद मैंने क्या किया इसको फिर से क्या मान लिया आपका एक्स मान लिया क्या मान लिया एक्स, तो यहां पर क्या देगा आपका एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एट प्लस टू एक्स, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट प्लस टू एक्स, आप सबको आप इधर ले आइए तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर के फैक्टर किससे फैक्टर कर लीजिए आप मैंने बताया था स्प्लिटिंग करना तो क्या जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन आ गया आपका क्या बच जाएगा एक्स माइनस फोर और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका टू कॉमन आ रहा है क्या जाएगा इसमें भी एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर आप दिख रहा है एक्स माइनस फोर दोनों में से कॉमन तो एक्स माइनस फोर इज कॉमन देन द वैल्यू बिकम एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन आदर एक्स इक्वल टू फोर एंड आदर एक्स इक्वल टू माइनस टू, और आप दिख रहा है ठीक है ना वैल्यू किसमें दी हुई है रूट में दी हुई है और रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका फोर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने।
थैंक यू।